हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। स्वागत है आपका इस चैनल पर। तो आज के टॉपिक में हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री, और एक ऐसा टॉपिक जो ऑलमोस्ट सभी बच्चों के लिए फोबिया है कि उनको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लर्न नहीं होते। सर, ट्रिग्नोमेट्री हमारे किस काम आएगी? सर, तो अपने इस 8th और 9th यूनिट के अंदर सब कुछ पढ़ेंगे इसके बारे में। स्टार्ट करते हैं इसके बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल से, व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना? तो चलिए स्टडी करते हैं इसके बारे में। देखिए बेटा, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है ट्राई प्लस गॉन प्लस मेट्रॉन। दिस इज एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। दीज ऑल थ्री वर्ड्स आर टेकन फ्रॉम ग्रीक। ओके, तो ये तीनों के तीनों वर्ड जो है वो ग्रीक लैंग्वेज से लिए गए हैं। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, ट्राई का मतलब होता है थ्री, फाइन। गॉन का मतलब साइड्स, ठीक है, और मेट्रॉन का मतलब मेजर्स। मतलब समझ आ गया होगा? थ्री साइड्स किसके अंदर होती हैं? ट्राइंगल। समझ आया? तो मतलब मैथमेटिक्स की एक ऐसी ब्रांच जिसके अंदर ट्राइंगल्स के बारे में स्टडी की जाती है, ट्राइंगल्स को मेजर किया जाता है, उसको अपने क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। क्लियर है ना? अब देखिए बेटा, ट्राइंगल तो बहुत सारे होते हैं, एक्यूट, ऑब्ट्यूज, क्या हम सभी के बारे में स्टडी करेंगे? नहीं, हमारा जो सिलेबस है दैट इज अप टू राइट ट्राइंगल ओनली। मतलब हमें क्या करना है? सिर्फ राइट ट्राइंगल की मेजरमेंट्स के बारे में पढ़ना है कि किस तरह से इसको मेजर किया जाता है। ओके, इस पर हम स्टडी करेंगे सारे के सारे, व्हाट इज राइट ट्राइंगल। क्लियर है? और ट्रिग्नोमेट्री का एक मतलब और बता दो बेटा। ट्रिग्नोमेट्री को कुछ इस तरह से सेट किया गया है कि इसके जो एंगल्स है, इसके ट्राइंगल के जो एंगल्स है उनको इसकी साइड्स के साथ अगर रिलेट कर दिया जाए तो वो बन जाती है ट्रिग्नोमेट्री। क्लियर है ना? ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है? अगर किसी ट्राइंगल की साइड्स को उसके एंगल्स के साथ रिलेट कर दिया जाए उसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। रही बात ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, वो भी अपने आगे करेंगे। तो जिस कंपोनेंट्स का यूज किया जाता है एंगल्स को साइड से कनेक्ट करने के लिए उनको बोल देते हैं आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। क्लियर है? तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं अपने राइट ट्राइंगल पर। तो देखिए बेटा, राइट ट्राइंगल में क्या होगा? ये है आपके सामने एक राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल का मतलब क्या होता है? एक ऐसा ट्राइंगल जिसके अंदर एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होगा। मतलब ये वाला जो एंगल है वो कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। क्लियर है? इस ट्राइंगल की जो तीनों साइडें हैं, पर्टिकुलर इसके नाम है, सो 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड है उसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। इसको क्या बोला जाता है? हाइपोटेनियस। लेट इट इज डिनोटेड बाय एच, ठीक है ना? बची बात परपेंडिकुलर और बेस की, तो देखिए बेटा यहां पर भी अपनी अपनी डिफाइन है। जैसे आप लोगों की जो डिफाइन है, खास करके जो अभी तक मतलब 10th में है या 9th में है, उनकी डिफाइन होती है बेस का मतलब है जो साइड नीचे है वो बेस है। लेकिन ऐसा नहीं होता बेटा। बेस का मतलब ये होता है किसी चीज का कोई आधार होता है जिस पर वो चीज टिकी हुई होती है, उसको बोलते हैं बेस। लाइक आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री का बेस करवा रहा हूं। अगर आपको ये बेस नहीं पता होगा तो क्या आगे वाली ट्रिग्नोमेट्री कर लेंगे? है ना? फॉर एग्जाम्पल, आपने घर बनाया, घर में पहले क्या करते हैं? नींव रखते हैं। अगर वो नींव ही वीक रह गई तो क्या होगा? घर नीचे गिर जाएगा। सही है? छत पर फैन लगा हुआ है, अगर छत ही वीक हो तो फैन टिक पाएगा उस पर? नहीं टिक पाएगा। तो ये सारे के सारे बेस है। मतलब बेस जरूरी नहीं है नीचे हो, बेस कहीं पर भी हो सकता है। तो इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग अपने अगर बेस को समझे तो बेस को किस तरह से समझा जाता है? 90 डिग्री के अलावा आपको इस ट्राइंगल के अंदर एक एंगल गिवन होगा, कोई भी हो सकता है, वो ए हो सकता है या सी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। सपोज मैंने आपको कहा कि सी आपको गिवन है, ठीक है ना? तो राइट एंगल के अंदर हमें दो एंगल गिवन है, ये वाले 90 का तो होता ही होता है, और ए किसके साथ कोई एंगल गिवन होगा? सी हो सकता है और ए हो सकता है, वट एवर इट इज। तो जो भी एंगल आपको गिवन है, तो 90 डिग्री का एंगल और ये वाला एंगल जिस साइड पर बनते हैं उसे बोला जाता है बेस।
समझ गए ना। और इसी तरह से जो एंगल आपको गिवन है उसके सामने होगा परपेंडिकुलर, तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर होगा परपेंडिकुलर। क्लियर हुई बात, एंगल जो आपको गिवन है उसके सामने परपेंडिकुलर, और बची जो साइड वो बेस, या फिर ऐसे भी बोल सकते हो जिस पर 90 डिग्री एंगल और ये वाला गिवन एंगल बनता है उसको बोलते हैं बेस। इस बेस को किससे लिखा जाता है, कैपिटल बी से, और परपेंडिकुलर को किससे लिखा जाता है, कैपिटल पी से। समझ आई बात। और फिर राइट एंगल की बात करते हैं तो हम सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम की भी बात करते हैं, विच इज पाइथागोरस थ्योरम, विच इज पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम हाइपोटेनियस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, दिस इज अवर पाइथागोरस थ्योरम। इसका यूज करेंगे बेटा, इन तीनों साइड्स में से आपको कोई दो साइड गिवन होंगी और एक साइड आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तो हमने कौन सी थ्योरम का यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। क्लियर। और इस हाइपोटेनियस के बारे में आप एक और चीज ध्यान रखोगे, हाइपोटेनियस इज द लार्जेस्ट साइड, लार्जेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल, ऑफ राइट ट्राइंगल, ठीक है ना बेटा। तो जो इसकी लार्जेस्ट साइड है ट्राइंगल की वो कौन सी होती है, हाइपोटेनियस होती है। समझ आई बात। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं हमारे सिलेबस के बारे में, विच इज ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोस, विच इज योर एक्सरसाइज 8.1। तो देखो बेटा, हमारे पास सपोज कोई एक राइट ट्राइंगल है, दैट इज पी क्यू आर, ठीक है ना। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये वाला जो एंगल है वो हो गया 90 डिग्री, समझ गए। और मैंने इस एंगल को लेट कर लिया थीटा। नाउ दिस थीटा इज द सिंबल ऑफ अ एंगल। कभी भी हमारी मैथ्स के अंदर अगर एंगल को डिनोट करना है तो उसके कुछ सिंबल्स होते हैं, लाइक थीटा, फाई, तो ये वन ऑफ देम, ठीक है ना। एंगल को लिखने के लिए एक सिंबल है, दैट इज थीटा। तो हमारे पास सपोज एक 90 डिग्री का एंगल है और एक थीटा है, आप इसे पी भी लिख सकते हैं, डजंट मैटर, लेकिन आपकी बुक में आपको थीटा मिलेगा, इसलिए मैं आपको थीटा से करवा रहा हूं ताकि आपको पता लग जाए कि एग्जैक्ट मतलब थीटा का एंगल ही है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यहां पर एक वर्ड यूज हुआ बेटा, ये वाला रेशियोज। इस रेशियोज का मतलब क्या है, हम यहां पर ट्राइंगल की साइड्स का जो रेशियो है वो फाइंड करेंगे। अब बात आती है ट्राइंगल की साइड कौन कौन सी है, 90 डिग्री के अपोजिट हाइपोटेनियस, गिवन एंगल के सामने परपेंडिकुलर बता चुका हूं मैं आपको वहां पे, इसी तरह से जो बाकी की साइड बची दैट इज बेस। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं, मुझे साइड्स का रेशियो अगर फाइंड करना है तो मेरे पास तीन साइड है, तीन साइड से मैं कौन कौन से रेशियो बना सकता हूं, चलिए देखते हैं। पहली साइड से रेशियो बना सकते हैं परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, बन सकता है कि नहीं बन सकता बेटा, हमारे पास तीन साइड थी, रेशियो तो दो ही साइड का बनेगा, तो दोनों साइडों से मैंने रेशियो बनाया परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। फिर हमने रेशियो बनाया बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और अगला रेशियो हमने बनाया परपेंडिकुलर ओवर बेस। बात समझ आई, ठीक है ना। और इसके अलावा तीन रेशियो और भी बन सकते हैं, बताइए क्या, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस को क्या लिख सकते हो, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। इसी तरह से बेस अपॉन हाइपोटेनियस को क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं हाइपोटेनियस अपॉन बेस, सही है ना बेटा। और इसी तरह से आप इसको क्या लिख सकते हो, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बोलिए बेटा, बात समझ आई कि नहीं आई। तो छह रेशियो आ गए, इन साइड्स के रेशियो को कनेक्ट करना है एंगल के साथ, ठीक है ना। तो जब आप इसको एंगल के साथ कनेक्ट करते हो तो हम काम करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस पर। पहला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होता है साइन थीटा, साइन थीटा। तो पहला रेशियो जो है वो साइन थीटा के इक्वल है, और ये थीटा का मतलब ये वाली वैल्यू, यहां पे 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 90 डिग्री, कुछ भी हो सकता है, तो इसको बोलते हैं थीटा। तो दिस इज साइन थीटा, क्लियर। इसी तरह से नेक्स्ट जो है उसको बोला जाता है कॉस थीटा,
इसे बोला जाता है cos थीटा। इसी तरह से नेक्स्ट जो रेशियो है उसे बोला जाता है tan थीटा। ठीक है, tan थीटा का रेसिप्रोकल कर दें तो जो इसका रेसिप्रोकल कंपोनेंट है उसको बोला जाता है cot थीटा। इसी तरह से cos थीटा का जो रेसिप्रोकल है उसे बोला जाता है sec थीटा। और इसी तरह से साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल है उसको बोला जाता है कोसेक थीटा। तो ये आपके पास बेटा फॉर्मूले हैं। ये तो रही बात उन बच्चों की जिनको बेसिक से पढ़ने की आदत है कि होता क्या है एक्चुअल में। जिसको सिर्फ याद करनी है उसके लिए हमारे पास ये ट्रिक है, देखिए, विच इज पी बी पी एच एच बी। फुल फॉर्म की बात करूं, पढ़ बेटा पढ़ हार हार बुक्स, पढ़ बेटा पढ़ हार हार बुक्स, ठीक है ना। जहां पर पी परपेंडिकुलर के लिए, बी बेस के लिए और एच हाइपोटेनियस के लिए लगा है, तो यहां पर पहला रेशियो बन जाएगा पी अपॉन एच, दूसरा बन जाएगा बी अपॉन एच, तीसरा बन जाएगा पी अपॉन बी, चौथा बन जाएगा पी अपॉन बी, ठीक है ना, फिर H अपॉन बी और अगला H अपॉन पी। ये रेशियोज बन जाएंगे सारे के सारे। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा साइन थीटा कॉस थीटा। और जिसको इसकी फुल डिटेल में स्टडी करनी है वो आगे नॉन मेडिकल लेंगे तो उसके बारे में भी अपने इसके बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से ये हमारे पास छह रेशियोज हैं, इनसे कुछ फॉर्मूले भी ड्राइव होते हैं। देखिए थोड़ा सा इन दोनों में क्या सिमिलैरिटी है, क्या पता लग रहा है आपको, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो मतलब इन दोनों से मैं क्या फॉर्मूला बना सकता हूं, देखिए इन दोनों से फॉर्मूला बन सकता है बेटा साइन थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन कोसेक थीटा। ये बन सकता है, समझ आया, साइन थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन कोसेक थीटा। अच्छा, इसका आप रेसिप्रोकल भी कर सकते हैं, लाइक कोसेक थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन साइन थीटा। ये भी हो गया बेटा, भाई आप साइन को कह लो कि कोसेक का रेसिप्रोकल है या फिर कोसेक थीटा साइन का रेसिप्रोकल है, बात तो एक ही है। और यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकलता है, वो क्या, साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कोसेक थीटा इज इक्वल टू वन। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है ये कि अगर आप साइन थीटा को कोसेक थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे दैट विल बी वन। क्लियर, इन दोनों पर आओ बेटा, cos थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन sec थीटा। यहां से दूसरा फॉर्मूला क्या ड्राइव होगा, sec थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन cos थीटा। एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन यहां से भी निकल रहा है, क्या, दैट इज sec थीटा cosec थीटा इज इक्वल टू वन। समझ आया। नेक्स्ट, उन दोनों से क्या निकलता है, tan थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ वन अपॉन cot थीटा। सही है बेटा, यहां से cot थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन tan थीटा। और यहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, क्या, tan थीटा मल्टीप्लाई बाय cot थीटा इज इक्वल टू वन। सही है बेटा। तो 8.1 में हम जो फॉर्मूलाज यूज करेंगे वो ये वाले फॉर्मूलाज। इसके अलावा दो फॉर्मूले और बचते हैं, लेट मी डिस्क्राइब, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए यहां पे कर देता हूं मैं, मुझे आप ये बताइए बेटा tan थीटा का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस। सही है ना, तो मुझे ये बताइए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनियस। मैंने हाइपोटेनियस का डिवाइड कर दिया दोनों में, बात तो एक ही है। अब आप देखिए इसका फॉर्मूला क्या बना, tan थीटा इज इक्वल टू दिस इज p अपॉन एच, चेक करो यहां पे sin थीटा। सही है, और इसी तरह से b अपॉन एच क्या होगा, देखो b अपॉन एच ये रहा cos थीटा। तो ये tan थीटा का फॉर्मूला है बेटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा। बोलिए वैल्यू समझ आई कि नहीं आई, दिक्कत तो नहीं है,
इसी तरह से अगर मुझे cos थीटा का बनाना है तो आपको पता है cos थीटा इसका रेसिप्रोकल है, तो आप सिर्फ इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए। रेसिप्रोकल करोगे तो cos थीटा अपॉन sin थीटा, ये अपना नेक्स्ट फॉर्मूला बन जाएगा। क्लियर हुई बात? एंड एक एरर बताता हूं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चों की आदत होती है जब क्वेश्चन करते हैं ना तो सिर्फ ये लिखते हैं साइन ओनली, इसके आगे थीटा नहीं लगाते। तो आप लोग ऐसी गलती नहीं करेंगे, अगर आपने ऐसा कुछ भी किया देन योर मार्क्स विल बी डिडक्टेड, तो इस चीज का आप खास ध्यान रखेंगे। क्लियर है ना? मतलब ये थीटा जो है वो कंपल्सरी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इन पर अप्लाइड क्वेश्चंस की। आज का होमवर्क ये है कि आपको सिर्फ ये फॉर्मूलाज जो हैं वो लर्न करने हैं, नथिंग एल्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको अपने मोबाइल पर मिल पाए। थैंक यू।